1999 चांदी वली एक ऐसा पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र। इस पिछड़ी विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने का कार्य अपने हाथों में लिया मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने। एक आम इंसान जो अपने कार्यों से बना महान मोहम्मद आरिफ नसीम खान। देखते ही देखते 20 सालों के अथक परिश्रम से उन्होंने चांदी वली का स्वरूप बदल दिया और आज चांदी वली को विकास के रास्ते में काफी ऊंचे पायदान पर लाकर खड़ा किया है। जनता की समस्याओं के प्रति हमेशा जागरूक रहने वाले मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने विधानसभा में जोरदार तरीके से की जनता की आवाज बुलंद। अध्यक्ष महोदय, अच्छा आज पर्यंत आम्ही गेल्या 2 वर्षापासून हा मुद्दा मांडत आहोत, मागणी करत आहोत की विमानपत्तनवरची जागा मध्ये जे लोक रहिवासी आहेत त्यांना ताबडतोब पुनर्वसन करा। आमच्या शासन असताना अध्यक्ष महोदय 17,000 घर HDIL कुर्ला प्रीमियर कमानी कडे बांधून घेतलेले आणि सचिवांनी संजय मताने हे कागद काल एक पत्र पाठवलेले अध्यक्ष महोदय की 93 लोक 93 लोकांचा पुनर्वसन 28 तारीखला ते सोडत द्वारा अध्यक्ष महोदय ते पुनर्वसन करतायत। 12,000 परिवार त्यापैकी फक्त 93 लोकांना पुनर्वसन जे करण्याचा निर्णय एसआरएने घेतलेला अध्यक्ष महोदय ते चुकीचा आहे। आमची मागणी आहे अध्यक्ष महोदय की एअरपोर्टच्या जागावर क्रांतीनगर संदेशनगर जरीमरीतील सर्व रहिवासी जे 12,000 राहत आहेत त्यांच्या 100% पुनर्वसन ताबडतोब लवकरात लवकर सरकारने केला पाहिजे। जिन्होंने एक बार फिर कदम बढ़ाया है अपने क्षेत्र की और ज्यादा तरक्की और ज्यादा विकास के लिए। आओ आओ कांग्रेस के हम साथ चले, आओ हाथ से हाथ मिला कर चले, जय हो। तो फिर इस बार मोहम्मद आरिफ नसीम खान तो आइए 2019 में चांदी वली विधानसभा क्षेत्र से फिर उसी भूमि पुत्र को चुने जिसके 20 साल सबूत हैं, इरादे मजबूत हैं। हमारा आपका अपना मोहम्मद आरिफ नसीम खान। आपका वोट कांग्रेस को। जय हो।